एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें न्यूज़ रैप्ट हुई के गली में लायन फेंक रहे हैं। छोटा केज में बंगाल टाइगर है, वो मैंने बिल्कुल छोटा बच्चा पाला था, कोई एक हफ्ते का होगा। वो शुरू से उसको घर में रखा, अपने साथ सुलाया, अपने साथ ही रखता था, मतलब मेरे रूम में रहता था वो। मतलब जिस तरह स्लोली ग्रेजुअली बड़ा होता गया तो फिर उसको फार्म पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इसका परमिट लेना पड़ता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो NOC इशू करती है, और इसका लाइसेंस होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। वो इम्पोर्ट कर लाइसेंस के भी आप जो इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इसके लीगल प्रोसीजर होता है, वो आपको पूरा करना होता है। मेरे पास टोटल 7 से 8 अफ्रीकन लाइंस हैं, ब्राउन लाइंस, अफ्रीकन ब्राउन लाइंस, और एक अफ्रीकन वाइट लाइन है, एक साइबेरियन वाइट टाइगर है, 2 बंगाल टाइगर्स हैं। टोटल मिला के हैं कोई 10-12 हैं। और अगर आप ये देखें खाते क्या हैं, तो ये इनका है 10 kg ईच, ये कह सकते हैं आप। 9 से 10 किलो एक लाइन खाता है, रोज़ का है 100-120 किलो दूध भी देते हैं जानवर को, 6 से 7 किलो एक जानवर को। अफ्रीकन लॉयन की देखें, अगर लोकली अगर बाय करते हैं लोकल मार्केट, मतलब पाकिस्तान के अंदर, इस तरह बहुत से और भी ब्रीडिंग फार्म्स हैं, पंजाब में बहुत सारे ब्रीडिंग फार्म्स हैं सिंध के नस्बत, तो ये 6-6.5 लाख रुपये, 7 लाख रुपये का मिल जाता है ब्राउन लाइन का कप। वाइट लाइन का मिल जाता है 10-11 लाख रुपये का, 12 लाख रुपये का। टाइगर का थोड़ा और महंगा होता है, ड्यूटीज़ ये वो, तो बाहर से अगर अब इम्पोर्ट करेंगे तो फिर महंगा पड़ेगा। वो शेर के लिए ये कि आपके फार्म होना लाजमी है, और उस पर फिर उनका वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस इशू होता है, एक परमिट। पहले वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट आता है, आपकी जगह विजिट करके जाता है, आपका जो फार्म है जिस जगह पे केजेस बनाए, फिर केजेस बनने के बाद केजेस विजिट करके जाते हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम आती है, वो उसके हिसाब से केजेस होने चाहिए, सेंचुरी के हिसाब से, मतलब केजेस का साइज़ वगैरह बड़ा होना चाहिए, मतलब जानवर तंग ना हो, मुश्किल में ना रहे जो शेर वगैरह हैं, उसके बाद फिर वो लाइसेंस और परमिट इशू करते हैं। दिस इज़ द डॉक्यूमेंट जो कि सबब है पाकिस्तान में बिग कैट्स के मौजूद होने का। और इस डॉक्यूमेंट को जब पढ़ते हैं तो इसमें किसी भी जगह पे जो कि ज़रूर मेंशन होना चाहिए था कि जो ये दिस स्पीक्स फॉर पोजीशन एंड कीपिंग ऑफ द लायंस, जब परमिशन दिया था तो साथ में ये बुकलेट भी पब्लिश हुआ था। इसको एक माहिरों की बॉडी ने बनाया, और इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि जो इम्पोर्ट होंगे वो न्यूट्रल होंगे, जो कि ज़रूर लिखा होना चाहिए था। और न्यूट्रल होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे, क्या वो उसको ट्रेड कर सकेगा, सेल कर सकेगा, कोई बात नहीं हो रही। फिर उसके बाद ये समझे कि 15 से 20 साल तक डोमेस्टिक लॉज भी उस पर खामोश रहे, और इस सारे अरसे के दौरान बड़ी ब्लैक मार्केट खड़ी हो गई, और इस वक्त मार्केट में हज़ारों बिग कैट्स मौजूद हैं। देखें, जिन लोगों को मिनी जू के लाइसेंस मिले हुए थे पुराने लॉ के तहत मिले हुए थे, और उसमें लाइसेंस देने के बाद फर्दर डूज एंड डोंट्स कोई नहीं डिफाइन किए हुए थे कि अगर आप मिनी जू का लाइसेंस लेते हैं तो कोई रुकावट नहीं था, आप उस पर हाथ ही भी रख सकते हो एज़ पर ओल्ड लॉज। बट एज़ पर न्यू लॉज हमने इसको काफ़ी दायरे में लाया है। क्वेश्चन हैं कि क्या हम इन स्पीशीज़ को मुल्क से बाहर भेज दें, लेकिन ये तो फार्मिंग वाले स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसका रिप्लाई है नो। तो क्या इसको जिन लोगों ने इनको लिया, एडॉप्ट किया, अक्वायर किया, उनसे ये कॉन्फिस्केट किए जाएं, तो क्या फिर इनको गवर्नमेंट खिलाना शुरू कर दे? सो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रियली एट द मोमेंट दे आर अंडर डिस्कशन। मुख्तलिफ फोरम्स पे हम इनको डिस्कस भी कर रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये चीज़ें डिस्कशंस में आ रही हैं। नए लॉज के मुताबिक जब भी किसी को परमिशन दिया जा रहा होगा, वो अंडरटेकिंग दे रहा होगा कि अगर उसने वायोलेशन किया, उनको कंडीसिव इन्वायरमेंट नहीं दिया, तो उसके ऊपर जुर्माना होगा, जो कि कोई 550 या 1,200 की सूरत में नहीं, बल्कि लाखों रुपए की सूरत में होगा। और उनके ऊपर इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उनका लाइसेंस कैंसिलेशन, इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के प्रोविजंस ये नए लॉ में मौजूद हैं।